अब फाइनली दोस्तों देख सकते हो ग्रेट यू कैन नाउ दी क्रेडिट कार्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब सिंपली क्या करना है, व्यू कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका ई पेड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जो होता है दोस्तों, यहां पे आपका क्रेडिट लिमिट जो मिलेगा उसको आसानी के साथ इस कार्ड के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। एक नहीं दोस्तों कई ऐसे वीडियो मैंने बताया है जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको इनकम प्रूफ नहीं है कहीं से भी, या फिर से लाइट पर्सन नहीं हो, किसी भी टाइप का अगर बिजनेस नहीं करते हो, तो कैसे आप बाई नाउ पे लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करके और आसानी के साथ आप 10,000 15,000 20,000 का क्रेडिट लेकर उसे इस मंथ यूज करके नेक्स्ट मंथ उसका ईएमआई पे कर सकते हो। इसी चीज को देखते हुए दोस्तों एक न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है, जिसमें आप आसानी के साथ विदाउट एनी इनकम प्रूफ अपलोड करके और आसानी के साथ 10 से 15,000 का क्रेडिट का लिमिट ले सकते हो। अगर आपका सिविल थोड़ा भी बेस्ट होगा तो आपको 30 से 40,000 तक क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। जो कि अभी आपको प्रोडक्ट खरीदना है और जो पेमेंट है दोस्तों आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के बाद आपको पेमेंट करना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इससे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसे ओपन करना है। ओपन करते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे ग्रांट परमिशन के बोल रहा है आपके लोकेशन के लिए, तो यहाँ पे वी नीड टू गिव योर लोकेशन एंड कस्टमाइज ऑफर्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप एक्सेस देते हो अपने लोकेशन का, तो होता है क्या कि आपको बहुत सारा जो है ऑफर्स वगैरह मिलने वाला है। सिंपली ग्रांट परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अलाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इंस्टेंट डिजिटल क्रेडिट लिमिट आपको मिलने वाला है, जो कि आपको 14 दिन के लिए यहाँ पे 0% क्रेडिट मिलने वाला है, यानी कि कोई भी अगर खर्च करते हो तो कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं देना है। पूरी तरीके से दोस्तों पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपली लेट्स गो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, अपना फोन नंबर डालेंगे, सिंपली गेट कोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेंड कोड के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही आपका ओटीपी आएगा, जो कि ओटीपी यहाँ पे दोस्तों आपको डालना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड मिल जाएगा, उस कोड को आप एक बार जरूर डालिएगा, होता क्या कि उससे चांसेस आपका ज्यादा हो जाएगा क्रेडिट लिमिट मिलने का। उसके बाद यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर लेना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे साइन अप एंड गेट क्रेडिट लिमिट विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी कि अभी आप साइन अप करते हो तो होता है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका क्रेडिट लिमिट शो करना स्टार्ट कर देगा। ए टू जेड दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा कि क्या ऐसा गलती नहीं करना है जिससे कि आपका क्रेडिट लिमिट दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली क्या करना है अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आ चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेप 4 तरीके से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले अपना पैन नंबर डालेंगे, दूसरा में आपका पैन नंबर के ऊपर जो भी आपका पैन कार्ड के ऊपर नाम होगा वो डालेंगे, सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, या फिर से हिंदी में है तो आगे बढ़े के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सबमिट पर्सनल केवाईसी डिजिटली, यानी कि केवाईसी आप डिजिटली भरना चाहते हैं या फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैनुअली देना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि डिजिटली यहाँ पे भरने के लिए, तो सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, जो कि डिजिटली हो जाएगा। अगर मैनुअली करना चाहते हो तो डायरेक्टली अपना आधार कार्ड का फोटो अगर अपलोड करना पड़ता है, तो उस चीज से टेंशन फ्री हो गई, आपको सिंपली डिजिटली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर डालेंगे, आधार डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, जो भी आधार नंबर के अंदर फोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, जो कि आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आ चुका है मेरा ओटीपी, और यहाँ पे डालने के बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हो दोस्तों कि आपका जो एक्सेस है डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया गया है। अब जो भी आपका डिटेल्स होगा दोस्तों यहाँ पे आपका शो करना स्टार्ट कर देगा, ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जीएसटी या फिर से आपको टीन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, तो अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आपको छोड़ देना है, यानी कि स्किप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है कि आप किस राज्यों में अपना बिजनेस है, तो बिजनेस नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो आप अपना नाम ही डाल देंगे, अपना एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, शहर और स्टेट आप डालेंगे, और ये बिजनेस अपलोड बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि आप अपना बिजनेस को या तो यहाँ पे आप उसका डिटेल्स जो है यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हो, जो भी है यहाँ पे देख सकते हो आउटसाइड फोटो है, इनसाइड फोटो है, नहीं है तो इसको छोड़ देना है क्योंकि ये ऑप्शनल है। ये सारी चीजों को दोस्तों डालने के बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, योर एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हो विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड वी आर एनेबल टू असाइन योर लिमिट, यानी होता है क्या कि देखिए किसी किसी का जो क्रेडिट लिमिट होता है जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे वेटिंग में चला जाता है, ये अप्रूवल नहीं हो पाता है, और किसी किसी का 700 प्लस या फिर से 680 के ऊपर भी होगा आपका सिविल, तो 100% यहाँ पे आपको लिमिट मिल जाता है। सिंपली आपको थोड़ा समय वेट कर लेना है, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जितने लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल गया है इजिली आपको यहाँ पे दोस्तों लिमिट देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको पोस्ट पे लेटर के बारे में बताया था। सिंपली कंटिन्यू तो आगे बढ़े के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आई एग्री के ऊपर आपको क्लिक करेंगे, अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों नीचे में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबमिट, और इस पर आपको क्लिक कर
देना है। क्लिक करने के बाद आपका आईडी नंबर यहाँ पे मिल चुका है, सिंपली क्लोज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी अवेलेबल क्रेडिट दे सकते हो दोस्तों 0 है। आने वाला 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो दोस्तों होगा यहाँ पे अमाउंट ऐड कर देगा, जो कि आप आसानी के साथ इसे यूज कर सकते हो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, ईपीएल कार्ड जो दिया है ना, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। ईपीएल कार्ड यानी कि ई पे लेटर कार्ड जो है, उसके पास आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट नाउ का ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक कर देंगे। जब भी दोस्तों आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा उसके बाद से ये चीज आपको अप्लाई कर लेना है। नीचे में आएंगे, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाइड पर्सनल डिटेल्स जो पूछ रहा है, टाइटल में आप यहाँ पे जो भी है आप डाल देंगे, मिस्टर है मिसेज है। उसके पास अपना नाम डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आईडी प्रूफ में जो भी है यहाँ पे क्लिक करके आधार कार्ड है आपका, पासपोर्ट है वैलिड, जो भी प्रूफ है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर डालेंगे, पिन कोड एड्रेस जहाँ का भी अभी रह रहे हो वहाँ का डालेंगे। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि आपका पैन नंबर पूछेगा, जो कि आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है। और योर पैन इन्फॉर्मेशन स्टोरेज सिक्योरली, वी डू नॉट डिस्क्लोज योर डिटेल्स विदाउट कंसेंट। अब सिंपली दोस्तों करना क्या है, अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके पास अपना पैन कार्ड का जो फोटो होता है दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली अपना पैन नंबर डालिए और यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिए और सिंपली यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। पैन नंबर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे डोंट हैव पैन नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली मेरे पास पैन नंबर है तो यहाँ पे आप डालकर और अपलोड करके प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार डिटेल्स पूछेगा, जो कि आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर से कंफर्म आधार नंबर डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना है, जो कि आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। सेट 4 कैरेक्टर शेयर कोड यानी कि 4 डिजिट का दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर आपको यहाँ पे यूज करना है, जो कि यहाँ पे दिया है कि यूजिंग कैरेक्टर अलाउड स्पेशल कैरेक्टर, ये इसमें से आप कोई भी कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे पहले ओटीपी को हम डालते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे फेस कैप्चर जो दिया है यानी कि लाइव फोटो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अलाउ यूजिंग ऐप, उसके बाद से आप देख सकते हो कि आपका फेस कैमरा जो है दोस्तों यहाँ पे ओपन हो चुका है। मेक्स योर कीप ब्लिंकिंग वाइल टेक योर फोटो, यानी कि आपको आंख को जो है एक बार ब्लिंक करना है और उसके बाद से आपको फोटो लेना है। तो मैं जल्दी से फोटो को क्लिक कर लेता हूँ। 2 से 3 बार अपने आंखों को ब्लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों होगा जो आपका फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद से कोई भी क्लिक करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है, तो घबराना नहीं है आपको, सिंपली आपको आंख को अपने ब्लिंक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फाइनली दोस्तों देख सकते हो, ग्रेट, यू कैन नाउ दी क्रेडिट कार्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब सिंपली क्या करना है, व्यू कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका ई पेड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन जो होता है दोस्तों यहाँ पे आपका क्रेडिट लिमिट जो मिलेगा उसको आसानी के साथ इस कार्ड के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। तो ये एक दोस्तों प्रीपेड कार्ड है, जो कि मेरे को काफी ज्यादा कमाल का लगा, जो कि इंडोसेंस बैंक जो है इसको तो प्रोवाइड करा रही है रुपए प्रीपेड कार्ड के अंदर। आपका यहाँ पे कार्ड नंबर मिल गया, एक्सपायरी मिल गया, सीबीसी कोड जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीवीवी कोड मिल गया है। जितना भी दोस्तों यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट मिलने वाला है, उस क्रेडिट लिमिट को इजिली आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब भी जाओगे बाय करने के लिए, तो वहाँ पे जो डेबिट कार्ड का ऑप्शन होता है इस कार्ड नंबर को डालकर और आसानी के साथ उसे यूज कर पाओगे। सिंपली बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी आपका दोस्तों यहाँ पे कार्ड नहीं शो कर रहा है, यानी लिमिट नहीं शो कर रहा है, तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है ऑटोमेटिक यहाँ पे लिमिट शो करना दोस्तों स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।